क्या आप लड़के हैं? क्या आपकी उम्र 14 साल से ऊपर है? ये जो वीडियो है एक ऐसे कंटेंट पर है जिसको लोग बोलते बोलते हुए शर्माते हैं, मगर वो एक बीमारी का रूप भी ले लेती है। तो दोस्तों, मेरा एक उद्देश्य रहता है कि आप पूर्ण जानकारी नहीं तो थोड़ी जानकारी के साथ कुछ चीज़ों का उपयोग तो कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में 5,000 साल से ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो मनुष्य के शरीर में बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं। आजकल युवाओं में जो एक समस्या सबसे ज़्यादा पैदा हो रही है, शुक्राणुओं का पूरा ना बनना, नपुंसकता, शीघ्र पतन और हर्निया और बहुत सारी प्रॉब्लम। तो आज मैं बात सिर्फ नपुंसकता, शुक्राणुओं की कमी, शीघ्र पतन, आपका यौवन का अच्छे से डेवलपमेंट ना होना, उसके ऊपर बात करूंगा। पहले तो आपको जानना ये होता क्यों है। देखिए प्रभु, जब ये बीमारियां आती हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण हमारे लाइफस्टाइल से होकर गुजरता है, मगर 10% के अंदर में ये बीमारियां कुछ क्रॉनिकली होती हैं, कुछ आगे से आ रही होती है, जैसे किसी प्रदेश के अंदर से। जैसे रशिया में जाइए आप, वहाँ सब कुछ अच्छा है। आप अफ्रीका में जाइए, वहाँ सब कुछ अच्छा है। एक वेदर होता है, ठंडे प्रदेशों में चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है, मगर इंडिया जैसों में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। और इसकी जो दवाइयाँ आप मंगवा रहे हैं, आप बताते भी नहीं हैं, वो लोग आपको क्या खिला देते हैं आपको पता ही नहीं, एस्ट्रॉइड खिला देते हैं और कुछ तो कूड़ा भरकर आपको दे देते हैं। सो आई रियली वॉन्ट टू शेयर समथिंग अबाउट यू कि आप। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कोई समस्या? क्या आपको चाहिए समाधान? तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। तो आपको जो मैं 4 चीजें बताई, स्वप्न दोष, काम उत्तेजना की कमी, शीघ्र पतन और बहुत सारी यौवन संबंधी बीमारियाँ। तो पहला, ये होता क्यों है? हमारा जो खान पान है उसमें प्रोटीन की कमी के कारण ये होता है, पहला सबसे बड़ा रीज़न। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है स्मोकिंग। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है शराब। जब हम इन 3 चीज़ों को एक शरीर पे ज़्यादा मात्रा में ले जाते हैं तो हमारे शरीर में इस प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है। तो आपने बहुत सारे लोगों से आपने देखा होगा, जब आप कोडिया पुल पे गुजरते हैं तो सन्यासी क्लिनिक, अगर डॉक्टर अगलवार क्लिनिक, ऐसा लिखा रहता है। तो दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ, इन बीमारियों का संबंध साइकोलॉजिकली भी होता है, और इनको कैसे दूर किया जा सकता है आज मैं आपको ये बताऊँगा बड़े सिंपल तरीके से। मैंने जो चरक संहिता है उसके अंदर से कुछ पदार्थ निकाले, और बाबा रामदेव जी की एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें सारी दवाइयों के नाम भी लिखे हुए हैं, उनके बारे में कंटेंट है, तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ निकाला। तो पहले तो मैं आपको उन आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम बताता हूँ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। कम से कम कोई आपको उल्लू तो नहीं बनाएगा दवाइयों के नाम पर। जो आयुर्वेदिक औषधि है इसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? वैजाइकर्म, आयुषी। ये आयुर्वेदिक दवाओं में इन रोगों के लिए उपयोग किया जाता है। पहली औषधि होती है शतावरी चूर्ण, मृत संजीवनी, गोरुख पाक, छुआरा हकी, शुक्र वल्लभ रस, मंदानंद मोदक, वीर्यवर्तब और वानरी गुटकी। ये कुछ औषधियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में खाने के साथ साथ। दूसरा, आप आहार में क्या लें? पहली बात, अपने आहार से आप निकाल दीजिए तले भुने हुए भोजन को। दूसरी बात, आप अपने भोजन में ऐड कर लीजिए हरी सब्जियां, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन। नॉन वेजिटेरियन है तो आप मछली अंडे का सेवन कर सकते हैं, और वेजिटेरियन है तो हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दालें, आप इनका सेवन कर सकते हैं। और साथ साथ आप दोनों ही लोग सूखे मेवे का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, छुआरे का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, खजूर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपको इन प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। और दूसरा कारण, ऐसे लोगों को अगर कोई समस्या हो गई है, रात का खाना बिल्कुल कर दे कम। ये बिल्कुल लॉजिक की बात है,
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को व्यायाम कराएं, योगा करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और पर्याप्त मात्रा में नींद लें, अपने आप को तनाव से बचाएं और खुश रहें। बस यही तो है बीमारी का सोल्यूशन, और कुछ भी तो नहीं है। तो दोस्तों इनको फॉलो करिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। भाई ये जीवन का उद्देश्य है हमारा कि आप लोग खुश रहें, हेल्थी रहें, हैप्पी रहें, और आपके संबंध माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से, सबसे, संसार से अच्छे बने रहें। प्रणाम।